हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ 11 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम होती है वो किस वजह से आती है। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन का जो इंटरनल स्टोरेज होता है ना, वो लगभग फुल हो जाता है या फिर बिल्कुल ही फुल हो जाता है, तब जाके हमारे मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो को मिलती है। ठीक है ना, तो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको कुछ आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की सबसे पहले तो गैलरी को ओपन करना है। ठीक है ना, मोबाइल फोन की गैलरी को ओपन कीजिए। इसके अंदर से आप जो है ना अपनी फालतू की फोटो वीडियो जितनी भी आपकी है वो आपको परमानेंट डिलीट कर देनी है। ठीक है ना, देखिए आपको यहाँ पर जो है खास बात ध्यान रखनी है कि आपके गैलरी के अंदर जितनी भी लॉन्ग वीडियोज आपने सेव कर रखी है उनको सबसे पहले तो आपको डिलीट करना है। ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा जो स्टोरेज है वो कवर करते हैं। ठीक है ना, तो इन बात का आपको ध्यान रखना है, तो इससे आपकी स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्स है ना, इन सभी एप्स को आपको रीसेट कर देना है। रीसेट कैसे करेंगे, देखिए किसी भी ऐप को आप ना उंगली से दबा के रखेंगे तो एक छोटा सा पेज ओपन हो जाता है, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिलता है या फिर सर्कल में आई बटन बना होता है, इसे आपको टैप करना है। ठीक है ना, तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको ना स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। तो पहले आपको जो है ना इसे क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा आपका जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको डिलीट पे टैप करना है, तो आपका नीचे की साइड यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना इस जो है मोबाइल फोन के सभी ऐप्स को आप जो है रीसेट कर दीजिए। ठीक है ना, अब दोस्तों इसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स हैं इन सभी ऐप्स आपको अपडेट भी कर लेना अपने प्ले स्टोर में जाके। ठीक है ना, अब यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, जितने भी आपके मोबाइल फोन में फालतू के ऐप्स हैं, इन सभी ऐप्स को आपको अपने फोन से हटा देना है, अनइंस्टॉल कर देना है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं फोन फालतू के ऐप्स को अनइंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि आपके मोबाइल फोन के जितने भी ऐप्स होते हैं ना, ये आपके मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में इंस्टॉल्ड रहते हैं। ठीक है ना, तो जिससे क्या होता है कि फालतू के ऐप्स आपके मोबाइल फोन का जो स्टोरेज होता है वो कवर करते हैं, और आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज अगर कवर होता चला जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो आपके मोबाइल फोन में जितने फालतू के ऐप्स हैं इन्हें आपको हटा देना है। ठीक है ना, पर अनइंस्टॉल कर देना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के काफी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जिनके अंदर ऑटो डाउनलोड की सेटिंग होती है। ठीक है ना, तो उसको आपको बंद कर देना है, ऑटो डाउनलोड की सेटिंग को, जिस किसी ऐप में अगर होगी तो। देखिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि व्हाट्सएप के अंदर ऑटो डाउनलोड की सेटिंग होती है, तो होता क्या है कि अगर आपको कोई भी व्हाट्सएप पे अगर फोटो या वीडियो भेजता है ना, तो आपके व्हाट्सएप में जो है वो फोटो या वीडियो ऑटोमेटिक डाउनलोड होके आपके मोबाइल फोन की गैलरी में चली जाती है। ठीक है ना, जिससे आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज भरता है और आपके मोबाइल फोन के स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, तो आपको वो ऑटो डाउनलोड की सेटिंग बंद कर देनी है, जिस किसी ऐप में अगर होगी तो। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आखिरी और लास्ट प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने फोन को रीसेट कर देना है। रीसेट देखिए कैसे करेंगे, आपको अपने मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिस्टम पे टैप करने के बाद आपको अंदर की साइड ये रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है, तो आपका मोबाइल फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको ना मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फोन में जितना भी काम का डेटा है, जिनकी डेटा की आपको ज़रूरत है, वो पहले तो डेटा जो है अपने दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लीजिए, और जितना भी फालतू का डेटा बचा हुआ है ठीक है ना, वो ऐसे छोड़ देना, रीसेट करने पर वो डिलीट हो जाएगा। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से कहीं पे लिख के रख लेना है, नोट करके रख लीजिए। ठीक है ना, ताकि आप उसे दोबारा अपने फोन में लॉगिन कर पाएंगे। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। ठीक है ना, अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको जितने भी ये सारे प्रोसेस बता दिए, सारे प्रोसेस आप यूज़ करिए, तो आपके मोबाइल फोन में स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।